हमने कहा तुम अकेले खेती करते हो, तो सर्वेश ने कहा कि हाँ ये गुरुजी जो खेती है ये अकेले देखते हैं। राजा ने कहा हम कुछ नहीं करते। हमने कहा मतलब कि हमें खेती के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमारा पड़ोसी भर देता पानी तो हम भी भर देते हैं, पड़ोसी खाद फेंकता तो हम भी फेंक देते हैं, मतलब खुद हमें ज्ञान इतना नहीं है कि खेती में कब पानी लगना है, क्योंकि हमने वो मंत्र ही नहीं लिया। देखो भक्ति का भी मंत्र है, गाड़ी आप सीखेंगे उसका भी कोई गुरु बनाना पड़ेगा। जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तब तक आपके हाथ से गाड़ी एक्सीडेंट होती रहेगी। किसी को गुरु बना लीजिए, गाड़ी सीखने का भी, आप कोई भी काम करें खेती का भी किसी गुरु बना लीजिए। हमारे अंदर लगभग 16 काम हमें आते हैं, 16 कलाओं से हम खेले हुए हैं। कोई भी वाहन हमसे चलवा लो एक्स वाई जेड, आज दिन तक हमारे द्वारा कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ कोई भी वाहन। और जिस गाड़ी में हम बैठ के चले उस गाड़ी का तो कुछ होना ही वाला नहीं है। अब तो कृपा हमने सब पे ही कर रखी है, जब से यहाँ एक बार गाड़ी टूटी थी ना हमने तब से कृपा सब गाड़ियों पे कर रखी है। खेती हम पे कुछ किसी भी फसल ही करा लो, तुम्हारे यहाँ गन्ना होता ना लेकिन तुमसे अच्छा गन्ना खेती करके दिखा देंगे, जबकि हमारे यहाँ नहीं होता। आलू खेती करा लो, लहसुन खेती करा लो, गेहूं खेती करा लो, किसी की भी खेती करा लो, जितनी भी प्रकार की फसलें यहाँ अपने यहाँ होती है। अब हम यूरोप वाली तो नहीं बता सकते साहब, जो पहाड़ों में होती वो तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ जितनी भी अपने 500 किलोमीटर अंदर का जो भी होती है, मक्का हो बाजरा हो कोई भी फसल हो, क्योंकि हमने हर बात को नोटिस किया और उसका ज्ञान लिया। आज भी आश्रम की लगभग हम 70-80 बीघा खेती कम से कम कराते हैं अभी भी आश्रम। आप एक बात याद रखें कि हमें जीवन में बुरे काम छोड़ के सारे अच्छे काम सीख लेने चाहिए। बुरे काम छोड़ के हमें बदमाशी नहीं सीखनी है, हमें चोरी नहीं सीखनी है, हमें जुआरी नहीं सीखनी है, हमें बदचलता नहीं सीखनी है, हमें गलत वाणी नहीं सीखनी, लेकिन अच्छे काम जितने हो जहां मिले जैसे मिले वहां से प्राप्त कर ले। अब जगह जगह आप देखेंगे सर्दी पड़ने लगी है तो दरवाजे पर कुछ लोग आग ही जला लेते हैं, दो चार लोग बैठते हैं वहां, देखो कोई बड़े बूढ़े दो चार लोग बैठे तो उनके पास बैठो और उनसे कहो बाबा एक कहानियां सुना दो, अगर वो आपको अपने मुख से कहानियां भी सुना दे तो वो भी सत्संग है, क्योंकि वो उस जमाने की कहानी सुनाएंगे जो आपको सत्संग की तरह प्राप्त होगी। आप कहानी तो ले लीजिए उनसे, सुन तो लीजिए, लेकिन हम सब कुछ खो दिया। मुझे तो लगता है इस गांव में ज्यादा से ज्यादा तो 50 नामदानी है पूरे गांव में, क्योंकि मैं रात भ्रमण किया था तो दरवाजा देख के मालूम पड़ जाता है, दरवाजे पे जो लोग खड़े थे उनको देख के मैंने अंदाज कर लिया कि इस घर में जो लोग रहते हैं, किसी किसी घर में एक आध नामदानी निकला, बाकी पूरे का पूरा घर बाबा से लेकर नाती तक सब एक निगुरिया निकले, कोई गुरुमुखी नहीं निकला, कोई गुरुमुखी नहीं निकला, निगुरिया निकला। पहले मैं यहाँ सत्संग करने आया तो हमारे यहाँ की दो बिटियां हैं, ये यहाँ की बिटियां हमारे यहाँ उनकी शादी हुई है, ये यहाँ उपस्थित थी, मुझे नहीं पता था अब की बार की आ चुकी है। मेरा एक नियम है कि घर में एक भी गुरुमुखी होगा तो हम भोजन खाएंगे उस घर का, वैसे हम भोजन खाने वाले, मुझे लगा मैंने कहा अब की बार वो होंगी नहीं वहां, तो मैंने कहा भंडारा खुद का लेके चलो। और अब तो लगभग ये काफी समय हो गया तब से भंडारा चली रहा, अब तो बंद ही नहीं होता, हर जगह भंडारा स्वयं जाता है। क्यों? निगुरिया के हाथ का पानी पीना भी बेकार है, चाहे जाति का ब्राह्मण क्यों ना हो, मुझे जात से मतलब नहीं है, मुझे गुरुमुखी से मतलब है। और जाति कोई भी हो, हमारे आश्रम जात तो नहीं देखी जाती है, आप जाते हो साहब गुरुमुखी होना चाहिए, और गुरुमुखी नहीं है तो बस यह कोई मतलब नहीं। क्या जाता है? हमारे गुरुदेव भगवान ये कह के गए कि नाम का दान करना। मैंने लगभग 70-80 हजार लोगों को दीक्षा दे रखी अब तक, और जिसको दीक्षा दे दी एक साल का उसको समय दिया कि जाओ एक साल में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, फलाना काम होने लगेगा, तो वो होने लगे, क्योंकि उसको नियम दिया, बता दिया इस तरह भजन करना, ये गलत खान पान मत करना। और
दीक्षा देने की दक्षिणा क्या? एक रुपए नहीं, क्योंकि नाम का दान करने के लिए हम आए हैं। उन्हें की गुरु जी के कपड़े लेके आओ, उन्हें चढ़ो पादुका लेके आओ, फलाना लेके आओ, ढिमका लेके आओ, 2100 रुपए चाहिए। तो तुम दीक्षा दे रहे हो कि मंत्र को बेच रहे हो? हमारे मालिक ने ये उसका दीक्षा का मंत्र का लिख दिया नाम का दान। क्या लिखा? नाम, नाम का दान कर दिया। ले जाओ बच्चा और अपना भजन करना, अपने जीवन को प्रकाश की तरफ ले जाना। आज शाम को भोजन भंडार करने के बाद थोड़ी देर जब भजन कर लेते तो मन पूरे दिन का विचलित शांत हो जाता। जासु नाम सुमिरन कुवारा उतरे नर भव सिंधु पारा। वो ऐसा नाम गुरु दे देते हैं कि और बहुत महान दया है। आश्रम जरूर हम अभी निर्माण कार्य चल रहा है, मुझे अभी 5 साल लग जाएंगे उस आश्रम को सजाने में। अभी तो मैंने एक पौधे की तरह उसे गाड़ के तैयार कर पाया। ऐसे आप लोग गए हैं जो छोटी मोटी व्यवस्था काफी बन चुकी है, लेकिन अभी 5 साल उसे सजाने में और लग जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि फलाने आश्रम में, आपने भी एक नारा सुना होगा कि विष्णु परिवार का कहना है शाकाहारी। मैंने यहां पर कुछ चेंज कर दिया। गुरु महाराज जी ने एक नारा लगाया था कि बाबा जी का कहना और शाकाहारी, तो मैं बाबा जी तो नहीं कह सकता क्योंकि वो हमारे गुरु जी थे। अब उन मूर्खों को क्या समझाएं हम, वैसे के आगे बीन बजा तो कहे सानी ले आई, क्योंकि वो स्वयं बाबा जी थे। उन्होंने अपने मुख से कहा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, लेकिन उनके शिष्य भी चिल्ला रहे कि बाबा जी का कहना और शाकाहारी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने गुरु को जो गुरु ने कहा वो तुम कहना चाहते हो? भगवान ने जो किया वो तुम कर सकते हो क्या? भगवान ने जो कहा है उसे कर लो तो बहुत है। तो आपको ये कहना चाहिए था कि गुरु जी का कहना है, बाबा जी का नहीं। वो तो स्वयं कहते थे इस बात को, स्वयं क्या कहते थे? बाबा जी का कहना और शाकाहारी रहना है। लेकिन आप जहां जो भी नामदानी हो या जो भी माइक से सुन रहे हो, आपको अपने मुख से ये कहने में बहुत ही गलत है। आप ये कहिए कि गुरु जी का कहना और शाकाहारी, क्योंकि वो हमारे गुरु थे। लोग कहते बाबा जी की अर्जी और हम कहते सतगुरुदेव भगवान की, यही हमें तो में फर्क है। आश्रम जरूर हम छोटा बना रहे हैं, लेकिन एक बात आपने देखी होगी, चींटी छोटी जरूर होती लेकिन बड़े बड़े हाथियों को भी पछाड़ के रख देती। तो गुरुदेव की नजरों में हम बहुत बड़े हैं। गुरुदेव ने हमें वो दे रखा है, आप बड़े आश्रम जरूर चला रहे हैं, एक खेस्तान मचाए, वो कहते कि वहां मत जाइए, वो कहते वहां गुट बना रखे साहब, एक पार्टी की तरह बना रखा उन्होंने। वो कहते उज्जैन मत जाइए, वो कहते मथुरा मत जाइए। क्या है? गुरु के नाम को बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो अपने हृदय कंठ में गुरुदेव को तार लिया है और मैंने वहां सिर्फ इतना लगा दिया विष्णु परिवार का कहना, मैंने संस्था का थोड़ा नाम बदल दिया। मैंने कहा इन्हें खींचने दो, क्योंकि ये लोग सिर्फ दो चीज के भूखे हैं कि जनता आनी चाहिए, जनता नहीं, जनता के अंदर जो कष्ट है उसका तारांतरण करो। प्रेमपुरा धाम सरकार से लाखों लोगों को कष्टों का हरण होता है। कैसा भी कष्ट हो, हारी हो, बीमारी हो, दुख हो, कलेश हो, पीड़ा हो, कैसी भी मर्ज हो, दर्द हो, पथरी हो, भूत हो, प्रेत हो, कोई भी हो, हम आपके सामने एक प्रेत को खड़ा कर देते हैं, आप उस प्रेत को छुड़वाइए कैसे? तब तो हम कहें कि हाँ बड़े हैं, अब ऐसे हमारे गुरुदेव से बड़ा तो कोई नहीं है, मैं तो उनको बड़ा मानता हूं। जिन मालिक ने पूरे भारत में ऐसा गांव नहीं छोड़ा जिस गांव में पौधा नहीं लगा दिया। आपके क्षेत्र में कोई भी गांव होगा, ज्यादा नहीं तो एक नामदानी तो होंगी जय गुरुदेव वाले, हर गांव में है या नहीं है? ज्यादा नहीं है, एक तो लोग होंगी होंगी। ये केवल गुरु महाराज जी का ऐसा चमत्कार चला, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, उन्होंने ये कहा कि जीवन को अगर बचाना है तो शाकाहारी हो जाना है, ये मांस मदरा का सेवन मत करिए। मैं आप सबसे वही विनती करने आया हूं कि आप थोड़ा सा बदलाव करिए। इस गांव में थोड़ी थोड़ी उम्र की काफी माताएं विधवा हो गई होंगी। कैसे? जिनके पति शराब पी पी के दुनिया में ही नहीं रहे होंगे। आज बहुत लोग होंगे इस गांव में, बहुत माताएं होंगी
जो 35 साल पे 40 साल पे विधवा हो गई होंगी उनके माथे का सिंदूर मिट गया होगा, वो अकेले घूंघट में बैठ के रोती होंगी, क्या दोष है उनका, क्या उन्हें बुरा किया था, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने किसी संत का संदेश नहीं सुना। आप जितने भी माताएं भाई बहन हैं, बच्चे और बच्चियों को भी सतगुरुदेव भगवान से हमें पिताश्री ने 2001 में नामदान दिलवाया था। ये हमारे छोटे लग भ्राता है, हमारी और इनकी उम्र में 6 साल का फर्क है, ये 6 वर्ष छोटे हैं, लेकिन दोनों भाइयों को साथ ले गए पिताजी। मैं तो फिर भी 11 साल का था और ये तो 5 साल की थी श्रीमान जी। अब आप अंदाज करें कि 5 साल का कोई बच्चा बैठा हो, हम फिर भी 11 साल के थे 2001 में जब दीक्षा मिली। ये 5 साल की उम्र में पिताजी ने दोनों भाइयों को बैठा के, गुरु महाराज जी का काफिला चल रहा था उस समय, उसी में दीक्षा दिलवा दी। इन बच्चों को उन्हें सिखा गया था, तो एक तो ये प्रार्थना बोलते कि मेरे प्यारे गुरु दाता और मंगता द्वारे खड़ा है। मैं अभी बीच में आया था थोड़ी देर के लिए प्रधान जी की अग्नि में, तो समय भी हमारे पास जब तक ये बैठे तब तक वही गुनगुनाते रहे। आज एक वीडियो उनका दिखाया गया, मैं सुबह प्रातःकाल 7 पाठ करता हूँ बाबा के, तो ये उसका पाठ कर रहे हैं। अब पाठ बेचारे कर रहे हैं, आधा पाठ तो ये खींच ले गए दोनों। तब तक इन लोगों ने क्या किया, घर वालों ने वीडियो बनाना शुरू कर ली, इनकी दोनों की निकल गई हंसी, तो पाठ वहीं का वहीं रुक गया। तो इनके घर वाले, इनके पिताजी कह रहे कि मुझे तो लगता कि किसी दिन कहीं पुजारी ना बन जाइए, मेरी अगर चलेगी तो मैं इनको भक्त बना के छोड़ूंगा, तुम अपनी चला के देखना, तुम भले बाप क्यों ना हो, मेरी जहां तक चलेगी अच्छा भक्त बना दूंगा साहब, ऐसा भक्त बनाऊंगा जो दुनिया में तुम्हारा नाम कर देंगे, सराफी नहीं बनाऊंगा जो घर वालों की बेइज्जती होगी, सम्मान होगा। आने वाले समय पर 1 वर्ष के बाद प्रेमपुरा धाम सरकार में एक बहुत सुंदर गुरुकुल का निर्माण होने वाला है, और उस गुरुकुल में ऐसे नन्हे मन्ने बच्चे बहुत ज्ञान लेंगे। बहुत जल्दी कोशिश है हमारी कि गुरुकुल का निर्माण, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक संस्कृति लुप्त होती चली जा रही है। आज ये नहीं पता लग रहा है कि पिता कौन है, पुत्र कौन है। इन बच्चों का भी समय है बहुत अच्छा नामदान लेने का, क्या इन्हें पूरा दिन भजन करना पड़ेगा, नहीं, शाम को 5 बार ऐसे मंत्र अपना जप ले, अंत्यकरण में परमात्मा का बहुत जल्दी से दर्शन होगा, क्योंकि इनका कंठ पवित्र है, इनका शरीर भी अभी पवित्र है, इनके मन में कुछ कुरीतियां नहीं है, मन बिल्कुल विचलित नहीं है। और जैसे ही उम्र हुई 25 साल, फिर तो आधो मन घरवाली में और आधो अपने में, और फिर उसके बाद जैसी 35 साल हुई तो मन 3 जगह चला गया, आधा बेटे की तरफ, आधा घरवाली की तरफ, और बच्चा हमारी तरफ। उसके बाद जैसे ही उम्र हुई 40 साल, फिर मन थोड़ा थोड़ा सब जगह बट गया, उन्होंने कहा तो बेटा के लिए कमानो पड़ेगा, घर बनवानो पड़ेगा, भैंस पालनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी, बेटा की शादी करनी पड़ेगी, तो मन बहुत जगह भाग गया। अगर आप थोड़ी उम्र में अगर मंत्र ले लें और थोड़ा अपना भजन सुबह शाम कर लिया करें, तो इसी जीवन काल में, इसी शरीर में भगवान का दर्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। प्राप्त करिए, नाशवान शरीर है ये, काल का देश है, काल का शरीर है, काल अपना मुख खोले बैठा है, और जैसे उसके मुख में जो आ जाता है बंद कर लेता है। गाड़ी से जो जा रहे वो रास्ते में सो गए, फोन आया, उन्होंने कहा फलाने तुम्हारे पिताजी या भैया ये फलाने लोग खत्म हो गए, उनका समय है, काल अपना काम कर रहा है पूरा। इसलिए काल से बचने के लिए, मरना तो हर किसी को है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो नामदानी होंगे वो नहीं मरेंगे, और जो मांस खाने वाले ही मरेंगे, ये दारू पीने वाले मरेंगे। सुन लीजिए ध्यान से, बहुत सुंदर वाणी, कितने लोगों ने बिल्ली देखी है, बिल्ली, कुछ लोग यहाँ इटालियन से आए हैं, अमेरिका से, उन्होंने नहीं देखी हो सकता, लेकिन यहाँ जो हमारे भारत के, उन्होंने हाथ उठाना, किस किस ने देखी बिल्ली, और चूहा के निकलने देखा, चूहा चौखरे। तो जो आपने बिल्ली देखी होगी, बड़ा ध्यान से सुनना, जो नामदानी है
उन्हें कैसे मालिक बचाते हैं। शरीर तो सबको छोड़ना है लेकिन नामदानी कैसे बचते हैं, और जो गलत खान पान करते हैं वो काल के मुख में कैसे फंसते हैं। एक बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है, मुंह से पकड़ती है, है? और यहां से उठाकर उस कमरे तक ले जाएगी मुंह से पकड़ के। महाराज जी बिल्ली कैसे ले जाती है, मुख से पकड़ के ले जाती है, ऐसे मुंह से दबा लेगी और ले जाएगी यहां से वहां तक। वो बच्चे को बिल्कुल भी विशान चाहने वाली नहीं है, बच्चे को बिल्कुल चोट नहीं लगेगी, और वो यहां से ले जाके पकड़ के वहां ले जाके रख देगी, बच्चा ज्यों का त्यों बच गया। और जैसे ही वो बिल्ली अपने मुख में चूहा को पकड़ती है, मुख वही है, वही दांत है, सब कुछ वही है, चूहा को पकड़ेगी, दो बार ऐसे हलाएगी और तुरंत खत्म कर देगी। तो जो नामदानी नामदान ले लेते हैं वो काल के मुख में बिल्ली के बच्चे की तरह तो जाएंगे, लेकिन यहां से उन्हें उठा के सुरक्षित वहां पहुंचाया जाएगा। और जो निगुरिया होंगे वो चूहा की तरह में पकड़ा जाएगा और ऐसे घसीटा जाएगा, काल के मुख में से निकाल के और नरक में फेंक दिया जाएगा, पड़े रहो भोगते रहो। ये है नामदानियों का अंतर। इसलिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। और हम यहाँ को चेला बनाना आया है जो और ब्रह्म मत रही हो, ये ब्रह्म मत रहे ना कि महाराज जी इसलिए दीक्षा दीक्षा चिल्ला रहे होंगे कि साहब हमें चेला बनाएंगे। हम ऐसे दीक्षा नहीं देते, हम तो दीक्षा भूमि पर ही देते हैं, पवित्र भूमि आश्रम पर। हम तो यहाँ दे भी नहीं सकते कितनी भी कोई कोशिश करे, हमारा समझाने का फर्ज है, बताने का फर्ज है। ऐसे चेला नहीं बनाते, ऐसे चेला बनाते तो बहुत भीड़ लग जाती है अब तक उन लोगों की तरह, लेकिन एक चेला को तारंतरण नहीं कर पाओ तो ऐसे चेला बनाना बिल्कुल बेकार। क्यों? कुछ गुरु ऐसे सिगरेट पीते हैं, चेला चलम पीता है, हैं? गुरु पान खाते हैं चेला मुर्गा खाता है, गुरु दारू पीते हैं तो चेला विस्की पीता है। इसलिए सबसे पहले गुरु को खुद को बदलना पड़ेगा, और जब गुरु खुद का बदलाव करेगा तब चेले का सुधार होगा। हम चाय नहीं पीते, हमारे ये कुछ लोग चाय पीते हैं, तो हम सोचते हैं अगर हम चाय पीने लगेंगे तो फिर ये चाय की जगह और कुछ पियेंगे, तो अब चाय पी अटके पड़ेंगे। हम कितनी भी सर्दी पर साहब हम चाय फाय नहीं पीते, और ये पीते हैं इसलिए, तो हम सोचते हैं अभी ये चाय पे ही अटके हैं, और अगर हमने चाय पीने शुरू कर दी तो फिर और कुछ पियेंगे, तो चाय पे अटके हैं तो कम से कम चाय अपनी सुबह से पी लेते हैं। लेकिन चाय दूध दही मट्ठा घी सब्जी फल इत्यादि खाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो आप सुबह सुबह अगर ऐसे हाथ कर लो, हाथ की हथेली में किसका वास होता है? अरे बोलो, लक्ष्मी का होता है नहीं होता है? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हथेली में लक्ष्मी का वास होता है? सुबह सुबह हमारे मालिक कहा करते थे कि बच्चा ऐसे हाथ देख लो, प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले नेत्र हमारे ऐसे हाथों पे जाए। आप सभी किया करो ये काम, सुबह उठो सबसे पहले ऐसे देखो तब कुछ काम करो। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, सुबह उठेंगे लक्ष्मी जी के दर्शन तो नहीं करेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे पॉकेट से पुड़िया निकालेंगे तमाकू रखेंगे, कहेंगे खाओ लक्ष्मी जी 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 खाओ, हाथ का सारा लगाएंगे और लक्ष्मी से कहेंगे खाओ लक्ष्मी जी खाओ लक्ष्मी जी खाओ लक्ष्मी। लक्ष्मी जी कहती हम तमाकू नहीं खाते, क्यों नहीं खाओगी क्यों नहीं खाओगी क्यों नहीं खाओगी, अब बताइए हैं? अंदर से फिर अब आ जाई कि हम लक्ष्मी हैं बेटा तमाकू हम बोलो बोलो नहीं खाते हैं। अच्छा तुम नहीं खाओगी तो बहन जी खाएंगे, वहां से उठाएंगे और तुरंत सरस्वती के कंठ पर रख देंगे जिसके लिए हम लोग सुमिरन करते हैं, बैठने से पहले मन ही मन याद करते हैं कि हे माँ हमारा कंठ अच्छा रखना, हम बोलने जा रहे हैं तो प्रवचन अच्छे निकले। पहले लक्ष्मी को खिलाते रहे खाओ 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 खाओ, उन्होंने कहा नहीं खाएंगे तो वहां से उठाई और जहां सरस्वती वास करती है वहां कंठ पर रख ली, तो बिगड़ेगा तुम्हारा नहीं और का हमारा बिगड़ेगा, तुम देवियों को तमाहू खिलाना चाहते हो। ये कितना सुंदर मंदिर बना है, इसके अंदर जीवात्मा रूपी मूर्ति बैठी है। तुम संसार के मंदिर के चक्कर लगाते रहो, जब तक खुद के मंदिर को साफ नहीं करोगे तब तक संसार के मंदिर के चक्कर लगाने से लाभ होने वाला नहीं। इस खुद के मंदिर को साफ करिए ना।
खुद के मंदिर में। क्या रात हम लोग आए तो एक श्रीमान जी फुल जोश में और होश में, और फिर होश हो गया फिर जोश में, वो पौआ वाली लगाए थे वो अपनी आराम से, बल्लू थे कल्लू थे कोई, नाम फाम भी हमें थोड़ा बहुत पता रहता ना, क्योंकि पता रखते हैं भैया का पता तुम कब का करो, वो अपने फुल आराम से। एक बार एक सराफी शराब पी के आ रहा, एक राजा सामने से आ रहे हाथी पे सवार होके, तो उसने कहा राजा रुको, तो राजा ने कहा क्या बात है, कहा ये हाथी चाहिए हमें, तो राजा ने कहा कि सुबह ले लेना, कब पैसे बताओ मूल्य बताओ, हमने अभी गन्ना बेचा है 2 लाख का। सराफी ने क्या कहा, हमने अभी गन्ना 2 लाख का बेचा, अपना हाथी बेचो तो बताओ, तो राजा ने कहा अभी रहने दो सुबह ले लेना। राजा चले गए भैया, वो सराफी भी चला गया। सुबह राजा ने सराफी को बुलवाया कि उसे बुला के लाओ, आज जो वो कल्लू घूम रहा था उसे सुबह बुलवाया, वो सुबह बुलाए गए। राजा ने कहा ऐसा करो वो हाथी देख लो, रात तुम लेना चाह रहे थे तो हाथी ले लो। वो बोला राजन वो रात वालों व्यापारी तो वो तो चलो गो, अब तो हम सादा लोग रह गए ना, जो रात हमारे ऊपर व्यापारी बैठा था, रात आप कहते रात तो वो ले लेता व्यापारी वास्तव, लेकिन अब तो व्यापारी गायब हो गया, तो शराबी रूपी जो व्यापारी बैठा होता है वो पता नहीं क्या से क्या कर दे। इसलिए ऐसा कोई गलत खान पान ना करो जिससे अपनी भी इज्जत और दूसरे की भी इज्जत का सम्मान खत्म हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मन तू भजो गुरु का। जिस समय हमें दीक्षा मिली थी उस समय गुरु महाराज जी की संचालन की करते थे के मिश्रा जी पंडित जी, वो भी इस दुनिया में अब नहीं है, गुरु महाराज जी के चरणों में वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। उस समय वो दीक्षा दे रहे थे, उसके कुछ दिन तक फिर बीच में बाल मुकुंद तिवारी जी ने संभाला। तो मैं आप सबसे एक बात कहूं कि आप अपने बच्चे बच्चियों को भी, आज ये लोग एक वीडियो दिखा रहे थे, इस बच्चे खड़े हो जाना उधर, खड़े हो जाओ, इनके पिता